नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, ए पी पोस्ट इसे लिखेंगे, लिखने के बाद सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का रहेगा इसका, इंडिया पोस्ट के लिए GDS ऑनलाइन, ठीक है, इंगेजमेंट। और यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 स्टेट के दोस्तों आप लोगों के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। 3 में से 1 स्टेट का देखिए रिजल्ट दोस्तों, किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है और वेबसाइट पे आ सकता है। तो मैं जिस स्टेट की बात करने वाला हूँ, बिहार। देखिए, अगर आप लोगों के फ़ोन पे मैसेज आ चुके हैं, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट्स के मोबाइल पे मैसेज चला गया होगा कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। और आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सर्वर डाउन की वजह से जो रिजल्ट है आप लोगों का वेबसाइट पे अभी नहीं आ पाया है। तो बिहार का जो है GDS का रिजल्ट, वो अनाउंसमेंट हो चुका है। फिर आता केरला और महाराष्ट्र। केरला और महाराष्ट्र का भी, जैसे बिहार का अनाउंसमेंट हुआ है, वैसे कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद केरला और महाराष्ट्र दो ही स्टेट बच जाते हैं, तो उसका भी रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक बात और, आसाम से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आसाम से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद जो भी इसमें बताया गया है उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसका भी जो टाइम है वो 27/1-9/2020 तक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहेगा हमारे YouTube चैनल के जरिए। तो बात कर लेते हैं आप लोगों के रिजल्ट के बारे में। तो जिन लोगों के पास में मैसेज चला गया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के पास किन किन स्टूडेंट्स के पास में मैसेज गया हुआ है रिजल्ट का। तो रिजल्ट का जिनके पास में मैसेज गया है, वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करें, जिससे और भी लोगों को हौसला मिले और भी, और टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की। और जैसे ही वेबसाइट पर रिजल्ट आता है, तो हम आप लोगों को रिजल्ट की जो PDF होगी उसकी वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर कर देंगे। देखिए, रिजल्ट वेबसाइट पे आने में थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, और आप लोगों को अब ये खुशी, बहुत बड़ी खुशी मिल चुकी है कि अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ केरला और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी अनाउंसमेंट हो सकता है। और बिहार का तो रिजल्ट आज रात में या फिर कल तक आप लोगों का जो बिहार GDS का रिजल्ट है वो वेबसाइट पे आ सकता है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा, काफ़ी सारा टेक्निकल इशू आ जाता है, तो इसकी वजह से लेट हो सकता है रिजल्ट, वरना आप लोगों का रिजल्ट कल तक वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके और भी साथियों को इसकी अपडेट मिल सके। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो नीचे आप लोगों के लिए कॉमेंट सेक्शन बना हुआ है, कॉमेंट करें। और हमने अपने इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है। किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करवा दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जय हिंद, बाय बाय।